भाइयों और बहनों, आज जब बंगाल के लोगों ने चुनावों में टीएमसी को सबक सिखाने नहीं ठान ली है तो दीदी जरा बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहां की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुड़ा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के 130 करोड़ नागरिकों की सेवा में झुक करके रखता हूं, झुका करके रखता हूं, नमन कर करके रखता हूं। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसी बंगाल के सपूत ने यही संस्कार दिए हैं हमें। इसलिए दीदी, अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है। दीदी आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अपने गरीब भाई बहनों, अपने आदिवासी वनवासी भाई बहनों को लात नहीं मारने दूंगा। आप देख लीजिए आज बंगाल में, दीदी आपका किला ढह चुका है। अरे दीदी, ओ दीदी, आप सोचती थी कि आप कुछ भी करती रहे आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल आपसे पूछ रहा है। केंद्र सरकार हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिया है, लेकिन यहां की बहन बेटियां बुंद बुंद पानी के लिए परेशान है। नल कहां है दीदी, जल कहां है दीदी, यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी? क्यों यहां का किसान साल में सिर्फ एक फसल लेने के लिए मजबूर है? यहां सिंचाई व्यवस्थाएं जर्जर क्यों है? परियोजनाएं लटकी क्यों है दीदी? यहां युवा परेशान है, चाकरी उद्योग निवेश कहां है दीदी? आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहां है दीदी? और इसलिए आप कह रही हैं फैला होवे 10 साल बंगाल के भाग के साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या?
दंसान यहां के लोगों से विश्वास दान करके आपका मन अभी भी नहीं भरा है? आप खेला हो गए बोलते रहिए। अब पश्चिम बंगाल ठान चुका है, पश्चिम बंगाल ठान चुका है, खेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए। साथियों, दीदी और उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या खेला किया, ये पूरा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वर्गीय अजीत मुर्मू जैसे हमारे अनेक आदिवासी साथी तृणमूल के खेला के कारण शहीद हो गए। दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता माला माल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी ये किसके पैसे से खरीदी गई दीदी? क्या ये गरीबों का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा लूटा गया है कि नहीं लूटा गया है? ये आपका पैसा वापस लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? इसलिए दीदी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दीदी जाच्छे, दीदी जाच्छे, दीदी जाच्छे। बंगाल के गरीब लोगों के पैसों से मालामाल हो रहे हो। साथियों, जब बालू का डंपर कई गुना महंगा हो जाएगा तो कमाई तो बालू माफिया की बढ़ेगी, कट मनी वालों की तो बढ़ेगी। घर बनाने में सामान्य नागरिक को होने वाली परेशानी से दीदी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। जब घर बनाने के हर सामान पर कट लगेगा तो सिंडिकेट वालों का खजाना घबरेगा।